जुकाम, पसीने देखो भाई साफ, हर ओर के पसीने आ रहे हैं। लिप ग्लॉस लगा लिया, पानी कैसे पीऊं अब, एक तो जलता हुआ पानी है ना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर। मैं थोड़ी हेल्दी नहीं हूँ बिकॉज मुझे हो गया जुकाम। मॉनसून जब भी आता है ना, देखो दो चीज़ें होनी होती है मेरे साथ, तो आपका पता नहीं, अगर आपके साथ भी होता है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। सबसे पहले मुझे हो जाता है कोल्ड, फीवर नहीं आया इस बार, हल्का सा कोल्ड हुआ है। और सेकेंड होता है हेयर फॉल, जो हम सबके साथ होता है। मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पर भी स्टोरी डाली थी कि देखो कितना ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है, और इतने लोगों ने रिप्लाई किया था कि तो कुछ भी नहीं है, हमें तो इससे भी ज़्यादा हो रहा है, हमारे घर भर गए हैं बालों से। बिकॉज होता है यार, देखो मॉनसून जो बारिश का टाइम होता है ना, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, चिपचिपाहट होती है, बहुत ज्यादा बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं, इसलिए हमें स्कैल्प पर भी वैसे भी इचिंग बहुत ज्यादा होती है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। सो आज मैं स्पेसिफिकली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की बात करने वाली हूँ इन द हेयर केयर कैटेगरी, जो मैं स्पेसिफिकली यूज करती हूँ इस टाइम पे, मानसून के टाइम पे, जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुझे हेल्प करते हैं डैंड्रफ, इची स्कैल्प, जो भी हेयर फॉल होता है। प्लस अपने बालों को थोड़ा सा फ्रिज फ्री कैसे बनाती हूँ मैं, यू कैन सी राइट है हाउ माई हेयर लुक्स। मैंने कल वॉश किए थे एंड दीज आर माई नेचुरल हेयर, मैं कोई ब्लो ड्रायर स्ट्रेटनर वगैरह नहीं करती, मैं ज्यादा ज्यादा अवॉइड करती हूँ कि मैं हीट ना लगाऊ अपने बालों पे। सो ये मेरे नेचुरल बाल है बाय द वे, एंड यू कैन सी द फ्रिज इज वेरी लेस, बिकॉज अब जो मैं प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ वो काफी हद तक मेरी फ्रिजीनेस को भी कंट्रोल करते हैं। ऑल्सो ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स विल बी ऑन अमेजिंग डिस्काउंट ऑन Amazon, बिकॉज Amazon की प्राइम डे सेल स्टार्ट होने वाली है ऑन 23 and 24 July। मैं नीचे जो भी लिंक दूंगी Amazon के दे दूंगी, ये सब आपको इस डेट पर इतने अच्छे डिस्काउंट पे मिलेंगे ना, तो आपके भी काफी पैसे बचने वाले हैं। सो मेक श्योर यू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और बाकी जो भी डिटेल होंगी Amazon प्राइम डे सेल की वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। आई ऑलवेज से जब भी हेयर केयर की बात आती है, सिर्फ शैम्पू कंडीशनर पर मत डिपेंड हुआ करो, बिकॉज वो वॉश ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ऑब्वियसली हेल्प करते हैं थोड़ा बहुत, शैम्पू क्लेंस कर देता है, कंडीशनर बालों को स्मूथ बना देता है, लेकिन जो सबसे अच्छे से वर्क करते हैं आपके हेयर ग्रोथ, डैंड्रफ, इची स्कैल्प, वो होता है आपका प्री शैम्पू वाला स्टेप। और अगर आप कुछ भी ओवरनाइट करोगे ना, तो सबसे बेस्ट रहेगा। सो जब मानसून की बात आती है ना, जो ह्यूमिडिटी, चिपचिपाहट, ऑलरेडी बाल इतने ग्रीसी होते हैं, मैं ऑयलिंग नहीं करती, ट्रस्ट मी, अगर मैं मानसून के टाइम पे तेल लगा लूंगी ना, वो भी ओवरनाइट मेरे बाल और ज्यादा झड़ते हैं और ज्यादा हेयर फॉल हो जाता है। सो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगी अभी ये वाले मंथ में ना, ओवरनाइट ऑयलिंग मत करना। अगर ऑयलिंग करना चाहते हो तो शैम्पू करने से एक या दो घंटे पहले लगा सकते हो, और वो भी स्कैल्प पर ज्यादा भरकर मत लगाना, बिकॉज ऑलरेडी सब कुछ बहुत ज्यादा ग्रीसी होता है। बट इंस्टेड व्हाट आई प्रेफर इज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो मुझे आजकल बहुत पसंद आ रहा है, मैंने काफी बार फीचर भी कर दिया, बट ये मेरा मानसून फेवरेट है। सो ये प्लम का टी ट्री डैंड्रफ फाइटिंग स्कैल्प सीरम। अब इसका भी मैं एक सस्ता आपको DIY वर्जन इसके बाद बताने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले इसकी बात करते हैं। सो ये बेसिकली कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, काफी कन्वीनियंट है यूज करना। आप यहाँ से खोलोगे, देन यू हैव दिस ट्विस्टर काइंड ऑफ थिंग, आप इसको ट्विस्ट अप करोगे, अनलॉक हो जाएगा, और फिर यहाँ से आपका प्रोडक्ट निकल जाता है। सो इसका जो टेक्सचर है ना, वो बिल्कुल जैसे एलोवेरा जेल होता है ना, वैसा इसका टेक्सचर है, पतला पतला ऐसे पानी जैसा होता है। तो हाउ आई लाइक टू यूज इट, एक दिन पहले जब भी मैं शैम्पू कंडीशनर करने वाली होती हूँ, एक दिन पहले मैं इसको अच्छे से अपनी स्कैल्प पर लगाती हूँ, पार्टीशन कर करके, जहां जहां पर मुझे इचिंग होती है वहां पर मैं ज्यादा फोकस करती हूँ, थोड़ी देर तक उसको अच्छे से मसाज देती हूँ, और फिर पोनी बना के सो जाती हूँ। मुझे ओवरनाइट प्रोडक्ट की तरह ज्यादा अच्छा लगता है। ऑल्सो द बेस्ट थिंग इज, ये ऑयली नहीं है, ये तेल नहीं है, तो आपके बालों को ग्रीसी नहीं बनाएगा। अगर आप सुबह भी उठोगे ना, आपके बाल नॉर्मल ऐसे ही दिखेंगे, इतने कोई चिपचिप ग्रीसी नहीं दिखने वाले। तो अगर आप बाहर भी जाते हो, ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो भी आप इसको थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट अपने स्कैल्प पे लगा सकते हो, एटलीस्ट ये आपको जो इचिंग होती है ना, उससे सूद करने में बहुत हद तक हेल्प करता है। अगर प्राइस ऑफ दिस वन है 650 rupees, दो ही Amazon पे आपको अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाता है, बट स्टिल मुझे पता है बहुत सारी मेरी बजट फ्रेंडली वाली ऑडियंस है जो इतना नहीं स्पेंड करना चाहते, तो मैं लिटरली आपको एग्जैक्ट DIY ड्यू बताती हूँ। वॉट आई डू, आई टेक एलोवेरा जेल, और ये तो मैं एक रेमेडी बहुत बार बता चुकी हूँ, अपनी हर हेयर के वीडियो में बताती हूँ, बट दोबारा बता रही हूँ, आपको कोई भी अपना एलोवेरा जेल लेना है, मैं आजकल यूज कर रही हूँ ये अर्बन बोटैनिक्स एलोवेरा जेल, ये मैंने Amazon से मंगाया था। दिस इज पैराबिन फ्री, कलर फ्री, अल्कोहल फ्रेग्रेंस फ्री, तो अगर आपको जो खुशबू और जो कलर भर भर के डालते हैं ना, उनसे प्रॉब्लम है, तो आप ये ले सकते हो, बिकॉज ये लिटरली ऐसा है। कैन यू सी, इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा फील होता है, जो ऑलमोस्ट नेचुरल जैसा लगता है। तो इसको आप अपनी कटोरी लो, या फिर अपने पाम पर भी एक या दो स्कूप ले लो, अपने बालों की लेंथ या फिर स्कैल्प के हिसाब से, और फिर मैं उसमें डालती हूँ एक या दो ड्रॉप, बस इससे ज्यादा मैं नहीं डालती, वो है टी ट्री एसेंशियल ऑयल का। नाउ जो टी ट्री एसेंशियल ऑयल होता है वो कंसेंट्रेटेड फॉर्म होती है, उसको आपको ज्यादा नहीं डालना होता, मैं आजकल ये वाला यूज कर रही हूँ ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का। सो दिस इज हाउ द एसेंशियल ऑयल लुक्स लाइक, यू कैन सी मैंने काफी सारा यूज भी कर लिया, ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आ चुका है। आई लव दिस, इसकी कन्वीनियंट पैकेजिंग है ना, तो इजिली मैं ड्रॉप के हिसाब से काउंट भी कर लेती हूँ, और मैं इन दोनों को मिक्स करके एक पेस्ट बन जाता है, लिटरली उसका कलर ऐसा ही आता है जैसे ये प्रोडक्ट है ना, डिट्टो ऐसे ही कलर आता है, और फिर आप बिल्कुल उसको स्कैल्प पे लगा सकते हो। आप खाली एलोवेरा जेल को हेयर लेंथ पे भी लगा सकते हो, एलोवेरा और टी ट्री कॉम्बिनेशन मैं हेयर लेंथ पे रिकमेंड नहीं करूंगी, बिकॉज कोई यूज नहीं है, टी ट्री को अननेसेसरी हेयर लेंथ पे लगाने का कोई फायदा नहीं होता, वो स्कैल्प पर फोकस किया करो। आप नॉर्मल एलोवेरा जेल अपने बालों पर
मेकअप भी लगा सकते हो। अनदर कशिका ज्ञान है, अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, मतलब आपको लिटरली हद ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, आपके बालों की वॉल्यूम खत्म हो चुकी है, आई वुड से इस कॉम्बिनेशन के अंदर एक या दो स्पून आप कैस्टर ऑयल का भी डाल सकते हो, लेकिन उस कॉम्बिनेशन को फिर आप ओवरनाइट नहीं रखोगे, बिकॉज एज ए सेड अभी मॉनसून में ऑयलिंग नहीं करनी है ओवरनाइट। कैस्टर ऑयल भी जब डालोगे ना तो एक बहुत अच्छा एक रेडीमेड जैसा मास्क होता है ना, हेयर मास्क वैसा एक टेक्स्चर बन जाता है, और फिर आप उसको मिक्स करके अपने स्कैल्प पे लगा सकते हो। कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा होता है हेयर ग्रोथ के लिए, आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, बालों में वॉल्यूम लेके आता है, तो जहां पर भी आपको बहुत ज्यादा लगता है ना कि गंजापन जैसा आ गया, आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो कैस्टर ऑयल आप डेफिनेटली डाल सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट शैम्पूज फर्स्ट। अगर आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ का इशू हो रहा है, इची स्कैल्प हो रही है, बिकॉज बारिश के दिनों में हो जाता है, लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, स्कैल्प बहुत इची हो जाती है, आई वुड से प्रेफर मेडिकेटेड शैम्पूज। ये जो ड्रग स्टोर वाले फैंसी मार्केट वाले शैम्पूज आते हैं ना, वो आप साइड में रख सकते हो, या फिर मैं क्या करती हूँ, मैं उनको यूज करती हूँ एज अ सेकंड क्लेंजर, लेकिन जो मैं फर्स्ट क्लेंजिंग करती हूँ ना, मैं मेडिकेटेड शैम्पूज उस टाइम पे प्रेफर करती हूँ। लाइक अगर डैंड्रफ का इशू है, आई वुड से केटोमैक आप ले सकते हो, या अमेजोन पे भी अवेलेबल है, मैं नीचे लिंक कर दूंगी, ये काफी सारे डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं जो आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डैंड्रफ का इशू हो जाता है, या फिर अगर आप एक सेफ साइड एक अच्छी ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ जाना चाहते हो, आई वुड से सेवामेड इज द बेस्ट। सेवामेड के दो शैम्पूज आते हैं, एक आता है ये वाला एंटी हेयर फॉल शैम्पू, और ये जस्ट अभी मैंने चेक किया है, इसकी बड़ी वाली बॉटल अमेजोन पर अभी 50% ऑफ मिल रही है, विच इज स्टील डील, बिकॉज ये वाले शैम्पूज बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, आप ये एंटी हेयर फॉल वाला शैम्पू ले सकते हो। बट आई डू, मैं फर्स्ट क्लेंजर ये वाले यूज कर लेती हूँ जब भी मुझे लगता है डैंड्रफ हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, और फिर जब मैं सेकंड क्लेंजिंग करती हूँ, मैं एक अच्छे फैंसी शैम्पू से कर लेती हूँ, उसको मैं स्कैल्प पर इतना फोकस नहीं करती, उसको मैं बालों पर या फिर हल्का फुल्का स्कैल्प पर भी लगा लेती हूँ, पर मैं उसको स्पेसिफिकली स्कैल्प पर इतना भर के लगाती। नाउ अभी क्या है, बारिश के दिन है, हम सबको फ्रिजीनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, लाइक आप देखते हो ना, ऐसे ऐसे बाल खड़े हो जाते हैं, बहुत एक्सट्रीमली बाल एकदम फ्रिजी फ्रिजी रहते हैं, तो इस टाइम पे मैं जो सेकंड क्लेंजिंग करती हूँ, आई प्रेफर कि जो भी स्मूदनिंग वाले शैम्पूज है मैं वो यूज करूँ। सबसे पहला मेरा फेवरेट जो है वो है मेट्रिक्स का ऑप्टी लॉन्ग रेड कलर का जो आता है, मैंने काफी बार रिकमेंड किया हुआ है, लेकिन अब वो मेरा पूरा फिनिश हो चुका है, तो आजकल मैं ये वाला यूज कर रही हूँ। मैंने इतने लोगों को सजेस्ट किया है, मुझे कल ही किसी एक लड़की का डीएम आया था, उन्होंने इसकी बड़ी वाली बॉटल ले ली, शी वॉज लाइक थैंक यू सो मच, मेरे बालों में बहुत अच्छा इफेक्ट आया है। ये काफी अच्छा अंडर रेटेड शैम्पू है जो सस्ता भी है, अगर आप एग यूज करने में कंफर्टेबल होना, आई वुड से ट्राई दिस वन। ये है सनसिल्क का येलो वाला एग प्रोटीन शैम्पू, यहाँ पर लिखा भी होता है एग प्रोटीन। सनसिल्क के ना दो वेरिएंट आते हैं, एक येलो कलर का ही होता है, लेकिन उस पर एग प्रोटीन यहाँ पर लिखा नहीं होगा, सो वो मत लेना, पढ़ के ही लेना, मैं नीचे लिंक भी कर दूंगी आपकी हेल्प के लिए। सो ये है नरिशिंग सॉफ्ट स्मूथ शैम्पू एक्टिव मिक्स, इसके अंदर एग प्रोटीन है, आलमंड एंड वाइटामिन सी है, इसका एकदम क्रीमी टेक्स्चर है, एंड ओ माई गॉड, ये आपके बालों को इतना स्मूथ बनाया था ना, मतलब काफी बार आप कंडीशनर भी स्किप कर सकते हो, बिकॉज ये अकेला ही आपके बालों को बहुत अच्छा एक स्मूथिंग इफेक्ट देता है। तो अगर एक सस्ता सुंदर टिकाऊ शैम्पू जो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ ना, जो आप बजट में ले सकते हो, इट हैज टू बी दिस वन। इसकी छोटी से लेके बड़ी बॉटल आपको अमेजोन पे मिल जाती है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो, आई वुड से ये वाला साइज लेना, और अगर आपको सूट करता है तो डेफिनेटली आप बड़ा वाला ले सकते हो, बिकॉज उस पर आपको बेटर डील मिलेगी। तो शैम्पूज की हमने बात कर ली, अब आ जाता है कंडीशनर स्लैश हेयर मास्क की तरफ। दो मैं थोड़ी सी बायस्ड टू वर्ड्स हेयर मास्क, बिकॉज वो जैसा इफेक्ट देते ना, वो शायद कंडीशनर इतना नहीं दे पाता, और एक बार अगर आपको हेयर मास्क के इफेक्ट की आदत हो जाती है, तो आपको कंडीशनर ऐसा लगता है क्या यार मजाक है, मजा नहीं आया, वो स्मूथनिंग वाला इफेक्ट नहीं आया। बट येस, हेयर मास्क को आपको टाइम देना पड़ता है, 10-15 मिनट्स, जिस दिन मैं फुल बॉडी शेव करती हूँ, स्क्रबिंग करती हूँ, उस दिन तो मैं लगा लेती हूँ, लेकिन काफी बार होता है नहीं टाइम होता, फटाफट नहाना है, तो उस टाइम पे आई प्रेफर कंडीशनर। और आजकल जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है फॉर माई फ्रिजी हेयर, वो है ये वाला लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का आर्गन ऑयल एंड लैवेंडर स्मूथ एंड सेरेन कंडीशनर। दिस ऑल द पैकेजिंग लुक्स लाइक, ये मैंने जस्ट अभी नया नया यूज करना शुरू किया है, एंड आई एम लाइकिंग इट। और ये स्पेसिफिकली इनकी फ्रिज के लिए रेंज है बेसिकली, अगर आपको फ्रिजीनेस का इशू है, आपके बाल बहुत ज्यादा ऐसे इधर उधर रहते हैं जो मॉनसून में हो ही जाता है, उसके लिए स्पेसिफिकली ये रेंज है। इसका शैम्पू भी आता है, इसका हेयर मास्क भी आता है, मेरे पास रखा हुआ है, अभी मैंने इतना टेस्ट नहीं किया तो मैं वो इंक्लूड नहीं कर रही, बट फॉर द कंडीशनर आई कैन से इट इज गुड। ये काफी अच्छे से आपके बालों को कंडीशन कर देता है। ऑल्सो ये नो पैराबेन नो डाई वीगन प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, सो अगर आप थोड़े से वीगन प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस ब्रांड। कंडीशनर में आप क्या कर सकते हो, एक्सेस वाटर को पहले स्क्वीज आउट कर लेना, जब भी शैम्पू करते हो सारा जितना पानी है निकालने की कोशिश करो। अगर बिल्कुल गीले वाले बालों पे कंडीशनर या हेयर मास्क लगाओगे ना, तो इट्स नथिंग, इट वॉन्ट वर्क, वो आपको हेल्प ही नहीं करेगा। तो सारा पानी अच्छे से निचोड़ने के बाद मैं कंडीशनर लगाती हूँ, और कंडीशनर में हार्डली लाइक एक या दो मिनट ही छोड़ती हूँ, लाइक इतनी देर सोप लगा लिया, बॉडी वॉश लगा लिया, दैट्स इट, और उसके बाद मैं वॉश ऑफ कर देती हूँ। वन टिप दैट आई ऑलवेज गिव यू कशिका ज्ञान,
कभी भी कंडीशनर या हेयर मास्क को वॉश ऑफ करो, हमेशा थोड़े से ठंडे पानी से करो. लाइक अगर आप गीजर के पानी से नहा रहे हो ना, तो प्लीज़ गर्म पानी से मत वॉश ऑफ करना, बिकॉज जो गर्म पानी होता है वो अपने साथ वो स्मूदनिंग और नरिशमेंट भी ले जाता है जो कंडीशनर हेयर मास्क आपके बालों के ऊपर छोड़ना चाहता है. तो इसलिए ठंडा पानी यूज़ करो ताकि वो एक स्मूदनिंग भी बने रहे और आपके बाल शाइनी रहे. प्लस जब आप ठंडा पानी स्कैल्प पर भी डालते हो ना, तो आपके स्कैल्प भी कहीं ना कहीं टाइटन अप रहते हैं. बिल्कुल गर्म पानी भी अपनी स्कैल्प पर नहीं डालना चाहिए. स्टार्टिंग में हल्का सा ल्यूकॉम वाटर डालती हूँ ताकि स्कैल्प का जो ऑयल है वो निकलने में हेल्प हो, बट आई एंड विद कोल्ड वाटर ऑलवेज. ये मेरे बालों को शाइनी और स्मूथ बना के रखता है. तो ये तो कंडीशनर की बात होगी. कमिंग टू हेयर मास्क, वैसे तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो लास्ट ईयर या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर, आई डोंट नो, वो अभी तक वीडियो काफ़ी चल रही है. अभी मेरे ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से ना वही वीडियो आती है. मैंने बेस्ट हेयर मास्क पर वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत सारे हेयर मास्क रिकमेंड किए थे, वो आप जाकर देख सकते हो. लेकिन अभी करंटली अगर मैं आपको टॉप टू बोलूंगी ना, जो शॉर्ट शॉर्ट मेरे फेवरेट हैं, सबसे पहले है ये प्लम का ऑलिव एंड मैकेडेमिया मेगा मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क. ये प्रोडक्ट केमिकली ट्रीटेड हेयर के लिए भी है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है केमिकली ट्रीटेड हेयर. कैन यू रीड राइट हेयर? तो जो ऑलिव मैकेडेमिया की रेंज है ना, आप ये ले सकते हो अगर आपने कोई भी तरह की स्मूदनिंग कलरिंग कुछ भी कराई हुई है, बिकॉज ये केमिकली ट्रीटेड हेयर को भी सूट करता है. एंड ये मैंने पूरा खत्म कर दिया, ये मैं अपनी एम्प्टीज के टब में से लेके आई हूँ. लुक एट दिस, मैंने पूरा इसको खत्म कर दिया. दिस इज सो सो गुड. इनका एवोकाडो वाला मास्क भी आता है जो थोड़ा सा सस्ता आता है, मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगी. वो इतना वाव नहीं है, बट ये बहुत अच्छा है. आपके बालों को इतना स्मूथ सिल्की बना देता है. एंड अगेन प्लम है, एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, काफी अच्छे से वर्क भी करता है, क्वालिटी भी अच्छी है. सो ये तो मेरा पहले वाला फेवरेट था. और आजकल जो मैं यूज कर रही हूँ इसको मैं ऑलमोस्ट खत्म अप करने वाली हूँ, वो है ये गार्नियर का नरिशिंग बनाना हेयर फूड. मैंने गार्नियर के साथ कोलैबोरेशन में डेडिकेटेड रिव्यू भी किया था, आप वो जाकर देख सकते हो. बिकॉज ये हेयर फूड है जो गार्नियर ने बनाया है, इसको आप तीन तरीके से यूज कर सकते हो. आप इसको एज ए लीव ऑन प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो, एज ए मास्क यूज कर सकते हो, एज ए कंडीशनर यूज कर सकते हो. लेकिन मैं इसको एज ए हेयर मास्क ही यूज करती हूँ. मैं इसको लगाकर रखती हूँ 10 to 15 minutes के लिए. एंड यू कैन सी बहुत थोड़ा नीचे बचा हुआ है. काफी अच्छा इसका टेक्सचर है, बहुत अच्छे से बालों में स्मूथली ग्लाइड होता है. और इसको लगाने के बाद मतलब जब वॉश ऑफ करोगे ना, यू विल लाइक मजा ही आ गया. इतने सॉफ्ट और सिल्की आपके बाल हो जाते हैं ना, यू विल लव इट. बहुत अच्छा है. और ये अमेजोन पे तो जब सेल आती है ना, लाइक 40-50% ऑफ पे मिल जाता है. सो आई वुड से ग्रैब इट, बिकॉज इतना बड़ा टब और इसकी वो फिशी वाली पैकेजिंग नहीं है जो कुछ मामा टाइप के ब्रांड्स बनाते हैं ना, कि यहाँ यहाँ तक होती है. पूरा आपको नीचे तक आपको 390 ml की क्वांटिटी मिल रही है, विच इज गुड. तो आपके बहुत लंबा चलने वाला है. और ये बनाना वेरियंट मैं स्पेसिफिकली रिकमेंड करूंगी. ये वैसे ड्राई हेयर के लिए, बट ये मेरे बालों को बहुत अच्छे से सूट करता है. सो आप भी ये ले लेना. आई एम रियली सॉरी पूरा मेसी हुआ हुआ है आसपास, बिकॉज मैं सबसे ज्यादा ये यूज करती हूँ. इसको भी मैं 10 टू 15 मिनट्स के लगाकर रखती हूँ. मैं इतने बॉडी शेविंग कर लेती हूँ, कुछ भी बॉडी स्क्रबिंग कर ली, पेडिक्योर टाइप कर लिया, कुछ ना कुछ स्क्रबिंग कर लिया, तो 15-20 मिनट जब आपके बालों पर ये लगा रहता है ना, ज्यादा अच्छा बेनिफिशियल रिजल्ट देता है. सो या दीज टू आर डेफिनेटली माई फेवरेट. सो आर हेयर वॉश इज डन. अब जब भी आप हेयर वॉश करते हो उसके बाद लोग यूजली क्या करते हैं, बॉडी वाला टाल लेते हैं, उसको रगड़ रगड़ के ऐसे रब करते हैं अपने बालों पर. मत क्या करो, मैं बॉडी टाल लेके पहले एक्सेस वाटर स्क्वीज आउट कर लेती हूँ. मैं ऐसे दबाती हूँ, मैं उसको रब नहीं करती. उसके बाद मैं लगाती हूँ माइक्रोफाइबर हेयर टाल. बहुत सारे अमेज़न पे भी आपको मिल जाएंगे, मैं नीचे लिंक भी कर दूंगी. माइक्रोफाइबर हेयर टाल एक तो बहुत कन्वीनियंट होता है, पूरा रैप हो जाता है आपके बालों पे, तो काफी देर के लिए आप भी फ्री हो जाते हो, आपके बाल इधर उधर से निकलते नहीं है. प्लस वो आपके बालों को जल्दी सुखाने में हेल्प करता है, वो जितना भी एक्सेस वाटर होता है उसको सोक कर लेता है और आपके बालों को कम से कम फ्रिजी बना के रखता है. वंस माय हेयर आर सेमी ड्राई, एज इन लाइक थोड़े थोड़े गीले होते हैं, 50% ड्राई हो चुके होते हैं, लेकिन हल्का सा एक डैम्पनेस होती है बालों पे, उस टाइम पे लगाती हूँ मैं सीरम. और आजकल मैं यूज कर रही हूँ ये लॉरियल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम. इसको तो इनफैक्ट मैं ओवरनाइट अपने बालों पर भी यूज कर लेती हूँ. ये एक पर्टिकुलर ऐसा ऑयल है जिसको मैं ओवरनाइट यूज कर लेती हूँ, जस्ट ऑन माई हेयर लेंथ, मतलब इतने एरिया में. अगर मुझे लगता है ना मेरे बाल बिल्कुल ऐसे डेड हो चुके हैं, लाइक बहुत ज्यादा रूखे सूखे हो गए हैं, मैंने प्रेसिंग कर लिया, कोई हीट ट्रीटमेंट कर लिया, कर्ल्स कर लिया, तो उस टाइम पे तो वैसे आपके बालों को नरिशमेंट की जरूरत होती है. तो मैं इसको शैम्पू कंडीशनर से एक दिन पहले थोड़ा सा लेके अपने बालों पर लगा लेती हूँ. ये आप एज अ प्री शैम्पू हेयर ऑयल यूज कर सकते हो, एज अ सीरम यूज कर सकते हो, एज अ हीट प्रोटेक्टेंट भी यूज कर सकते हो. ये प्रॉपर हीट प्रोटेक्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप हल्की फुल्की लाइक ब्लो ड्राई कर रहे हो या फिर हॉट कॉम्ब मार रहे हो ना, तो उस सेंस में ठीक है, उस सेंस में ये काम कर जाता है. सो आई लव दिस वन. यू कैन सी मैंने कितना यूज कर लिया है, ये खाली अब इतना बचा हुआ है. ये बड़ी वाली बॉटल है, ये भी आपको अमेजोन की सेल पे बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाती है. दिस इज वेरी वेरी नाइस एंड नरिशिंग. इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा है, आपकी जितनी फ्रिजीनेस होती है जो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके बाल ऐसे खड़े खड़े रहते हैं ना, उसको बहुत अच्छे से टेम डाउन करता है, आपके बालों पे शाइन लेके आता है.
एंड इसकी खुशबू बहुत अच्छी है. सो ओवरऑल दिस इज अ रियली नाइस प्रोडक्ट. फाइनली कमिंग टू माय लास्ट फेवरेट, जो मेरा पूरे ही सीजन का फेवरेट है. ऐसा नहीं है मॉनसून है तो मैं स्पेसिफिकली वुड कॉम्ब यूज कर रही हूँ. मैं हमेशा बाल धोने के बाद जब डी टैंगल करती हूँ सीरम लगा के मैं वुड कॉम्ब भी यूज करती हूँ, या फिर जब अपने बालों को मसाज देती हूँ. लाइक मुझे जब ऐसे ऐसे प्रॉपर मसाज देनी होती है, अगर आपको नहीं पता नीम वुड कॉम्ब बहुत अच्छा होता है आपके बालों को मसाज देने के लिए. आप जब ये रात को ये वाले ट्रीटमेंट भी लगाते हो ना एलोवेरा ये सब वाले, इसके बाद तो आई वुड हाईली रिकमेंड टीवी के सामने बैठ जाओ, कोई वीडियो देखो एंड थोड़ी थोड़ी देर के ना ऐसे ऐसे करते रहा करो. एक तो आपको इतना रिलैक्सिंग फील होता है, मतलब आपको खुद बहुत अच्छा फील होता है, और इसके जो कहीं ना कहीं पॉइंट्स होते हैं ना ये बहुत अच्छे से आपकी स्कैल्प को मसाज देते हैं. नीम वुड कॉम्ब जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, कोई ना कोई तरह का जो कहते हैं ना जो बैक्टीरियाज एंड ऑल होते हैं वो इतना ज़्यादा ये कैचअप नहीं करता. लकड़ी का कॉम्ब वैसे भी आपका जो स्टैटिक होता है उसको कम करता है. अगर आप प्लास्टिक का कोई कॉम्ब यूज़ करोगे ना उससे आपका स्टैटिक इतना कम नहीं होगा, लेकिन लकड़ी का कॉम्ब यूज़ करते ही आपका जितना भी यहाँ पे खड़े खड़े बाल होते हैं ना वो एकदम सेटल हो जाते हैं. सो यू ऑलवेज हैव टू हैव वन नाइस नीम वुड कॉम्ब. अमेजोन पर आपको बहुत सारे ब्रांड्स के मिल जाएंगे, मैं नीचे अच्छी ट्रस्टवर्दी ब्रांड लिंक कर दूंगी. सो दीज वर माय हेयर केयर रिकमेंडेशन फॉर दिस पर्टिकुलर मॉनसून सीजन, जो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी आपके डैंड्रफ, इचिनेस, हेयर फॉल, जो भी फ्रिजीनेस के इश्यूज होते हैं. ये सारे प्रोडक्ट्स ब्यूटीफुली वर्क करते हैं, बट आई वुड से इनटेक पर भी ध्यान दो. काफी बार हम बार बार सी चीजें लगाते रहते हैं और फिर सोचते हैं रिजल्ट नहीं मिल रहा. नट्स खाओ, ज्यादा ज्यादा सीड्स खाओ. मैं नट्स बहुत खाती हूँ, इस टाइम पे तो मैं सबसे ज्यादा नट्स खाती हूँ, मतलब थोड़ा सा इनटेक बढ़ा देती हूँ. एक तो मैं जिमिंग भी कर रही हूँ बिकॉज मुझे वहां के लिए प्रोटीन चाहिए, प्लस बालों के लिए भी आई वुड से बहुत अच्छा होता है. नट्स अच्छे होते हैं बालों के लिए और सीड्स बहुत अच्छे होते हैं. मैंने मिक्स सीड्स लिए हुए हैं, मैं नीचे लिंक कर दूंगी अमेजोन के. मैंने एक बीन ट्री ब्रांड के मैं मिक्स सीड्स लेती हूँ, मैं उसको अपने लैपटॉप के साइड पे रखती हूँ. उसके ना सारे अच्छे अच्छे सीड्स होते हैं जो रोस्टेड होते हैं और सॉल्टेड होते हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा हाथ पे लेके जस्ट डायरेक्टली खा लेती हूँ. मैं उसको बहुत देर तक च्यू करती हूँ, जब तक लैपटॉप पे काम करती रहती हूँ ना मैं उसको च्यू करती रहती हूँ और फिर वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है. सीड्स बहुत अच्छे होते हैं आपके बालों के लिए, ट्रस्ट मी. जब मैं रेगुलरली नट्स और सीड्स खाती हूँ ना मेरी नेल ग्रोथ अच्छी होती है, मेरे नेल्स काफी अच्छे से हार्ड होते हैं, क्वालिटी अच्छी आती है और मेरे बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं. सो कहीं ना कहीं प्रोटीन का इनटेक अपनी डाइट में बढ़ाओ. जब प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में खाओगे ना आपके बालों पर भी दिखेगा. और अगर आपको एक्सट्रीम हेयर फॉल हो चुका है, आई वुड से किसी ना किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको बायोटिन बेस्ड कुछ ना कुछ रिकमेंड करेंगे. दो आपको मार्केट में बायोटिन गमीज भी मिल जाती हैं, जो बायोटिन की मीठी मीठी गमीज आती हैं, टॉफीज आती हैं, वो भी आप ले सकते हो. लेकिन अगर कुछ सीरियस है ना आई वुड से पहले किसी प्रोफेशनल को दिखाओ, उसके बाद ही आप कोई ना कोई बायोटिन बेस्ड टैबलेट्स ले सकते हो. वो आपके हेयर ग्रोथ को बहुत अच्छे से बूस्ट करती है, बिकॉज कहने की जो पूरी गेम होती है ना 50-50 की होती है. 50% आपकी डाइट इनटेक होती है और 50% आपका आउटर हेयर केयर होता है, तो आपको इस दोनों का बेसिकली एक बैलेंस बना के चलना होता है. सो ये था मेरा कशिका ज्ञान ऑन मॉनसून हेयर केयर. मुझे बहुत डीएम्स आते थे, बहुत इंस्टाग्राम पे आते थे, यूट्यूब पे कमेंट्स आते थे कि मॉनसून है कुछ बालों के लिए बनाओ. तो ये थी पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो. आई होप ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, प्लस आपको एक माई हॉल स्टोर का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना, आप सब कुछ ईजिली शॉप कर सकते हो. उस पर जाके आपको सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी दिख जाएंगे और अमेजोन की प्राइम डे सेल तो आ ही रही है, तो उस टाइम पे तो ये सारी चीज़ें आपको लिटरली 40-50% ऑफ पे अवेलेबल होगी. सो यू कैन डेफिनेटली ग्रैब दीज. ऑल्सो ये कुर्ती और जो झुमकी मैंने पहनी है, दीज बोथ आर फ्रॉम डिफरेंट इंस्टाग्राम स्टोर्स. इन दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आई ऑलवेज से सपोर्ट सच इंस्टाग्राम पेजेस एज वेल, जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको सेल करते हैं, तो मैं इनके लिंक भी नीचे दे दूंगी. आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना. एंड दैट इज टुडेज वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.